आज हम जिस ऐप के बारे में बात करेंगे उस ऐप के आप खुद आपके फ़ोन में ही ट्राई करें, क्योंकि इस ऐप को किसी को बिना बताए किसी के फ़ोन में ट्राई करने से ये एक कानूनन जुर्म है। या इस ऐप को किसी के फ़ोन में ट्राई करने से आपका सज़ा हो सकती है। तो प्लीज़ इस ऐप को हम आपके खुद के फ़ोन में ट्राई कर रहे हैं, तो ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने खुद के फ़ोन में ट्राई कीजिए। और आप इस ऐप को किसी के फ़ोन में ट्राई करेंगे तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए। उसके बाद एक जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में जो बेल की घंटी देखो दबा दीजिए। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐप के बारे में जिस ऐप आपके लिए बहुत ही काम की ऐप होगी, जिस ऐप को आप एक सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो उस ऐप का नाम है आईपी वेबकैम। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर पर जाके आपको लिखकर सर्च करेंगे तो ऐप आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐप के डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह है, आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी आपको नहीं है। वीडियो इफेक्ट पे जाके आप चाहे तो वीडियो आप कौन सी कैमरा से वीडियो करना चाहेंगे, मेन कैमरा से या फ्रंट कैमरा से, वो कर सकते हैं। वीडियो को का साइज़ कितना होगा वो भी कर सकते हैं। आप फोटो खींचना चाहेंगे तो फोटो का रिजोल्यूशन कितना साइज होगा वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फोटो का लोकेशन ठीक कर सकते हैं, जीपीएस कर सकते हैं, वीडियो का क्वालिटी कितना अच्छा होगा वो भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह यहाँ पे सब दिया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ करना चाहे कर सकते हैं, या आप बस जैसा था वैसा रहना दीजिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप ऑडियो पे हम चाहें तो ऑडियो भी कर सकते हैं या वीडियो मोड भी कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, एक आप इसको आप अपने फ़ोन पे से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो और एक फ़ोन नहीं है, तो मैं आपको मेरे फ़ोन से ही दिखा देता हूँ। आप चाहे तो किसी के फ़ोन पे भी ये कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना जिस फ़ोन में आप करना चाहेंगे उस फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद ही ये हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, और उसके बाद और एक फ़ोन से आप उस हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं फ़ोन के आसपास का क्या करना चाहे। तो उसके बाद आप स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक वीडियो हो रहा है मेरा फ़ोन कैमरा का। उसके बाद आप यहाँ से जाके एक्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जो कॉपी आईपी एड्रेस है आप इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज करके आप बस क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाके उस कॉपी किया हुआ यूडीएल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद देखिए आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे नो वीडियो दिख रहा है, क्यों? आप इसको अपने फ़ोन से कर रहे हैं, तो आप और किसी के फ़ोन में जाके आप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन से करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे सब तब वीडियो दिखाई दिया दे रहा दिया दिखाई देगा। तो मैं तो अपने फ़ोन से फ़ोन में ही कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा आसपास का जो लोकेशन वगैरह है। उसके बाद आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कितना लेंथ तक करेंगे, कितना टाइम तक करना चाहेंगे वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखना वीडियो को कितना करीब से देखना चाहेंगे वो कर सकते हैं, वीडियो का स्ट्रीम क्वालिटी कितना होगा वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन को तो फ्रंट कैमरा से करना चाहेंगे या बैक कैमरा से वो कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ऐसे कि आप अपने किसी भी पहचान लोगों से आप ये कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इस ऐप में तो ऑडियो भी सुन सकते हैं, टू वे ऑडियो है। उसके बाद ऑडियो आपको यहाँ पे तो मेरा
तो मैं मतलब अपना खुद के फ़ोन पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ऑडियो तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसलिए तो आपको दूसरा फ़ोन होना चाहिए, इसलिए इसके आप अच्छा ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी की तरह है, तो ये आपको किसी की क्या कर रहा है, कोई कहाँ पे जा रहा है, उसको का पूरा डिटेल्स मिलेगा, मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए, दूसरे के फ़ोन में, जिसके फ़ोन में आप इंस्टॉल करेंगे, शायद उसके फ़ोन में बिना नेट ही चलेगा सब, सिर्फ उसके फ़ोन में आप इंस्टॉल करके आईपी एड्रेस आप अपने पास ले लीजिए। उसके बाद लेने के बाद आप ब्राउज़र पे जाके क्लिक करके आप नो वीडियो पे आएंगे, तो उसका फ़ोन, तो ये उसका दूसरा फ़ोन के जो वीडियो चल रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो